नमस्ते, मैं आप सबकी वेल विशर सोमा पाठक आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मिरेक्युलस कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक। अक्सर हम विश फुलफिलमेंट के लिए खुद के विशेस को पूरा करने के लिए प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स करते हैं ताकि हमारा विश फुलफिल हो जाए। पर आज जो कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक मैं बताने वाली हूँ ये है इनडायरेक्टली आपका विश पूरा होगा। आप किसी का विश पूरा करने में हेल्प करेंगे और वो आपके विश को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। तो आइए जानते हैं ये विश फुलफिलमेंट का सिलसिला कैसे पूरा होता है। सपोज आपकी कोई फ्रेंड है और आपका जो विश है, मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ। सपोज आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, ये आपका विश है, और आपके फ्रेंड का विश है उसके पसंद के लड़के से उनकी शादी हो जाए। दोनों का विश आपको पता चल गया। अब आप एकांत में, सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले अगर आप ये टेक्निक करें, या किसी शाम को भी कर सकते हैं जब आपका मन शांत हो, आपके मन में और कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जस्ट खुशी है आपके मन में कि हाँ मेरा विश पूरा होने वाला है और मेरी फ्रेंड का भी विश पूरा होने वाला है। तो ऐसे समय में जब आप एकांत में हो सकते हैं, सिर्फ कुछ समय खुद को दे सकते हैं, ऐसे समय में आप ये टेक्निक कीजिएगा। तो आपका विश है बैंक में आपका जॉब लग जाए, और आपकी फ्रेंड का विश है उनके मनपसंद लड़के से उनकी शादी हो जाए। तो एक ही समय में अगर आप लोग कर पाए तो बहुत अच्छा है। ये आमने सामने बैठकर किया जा सकता है, दूर बैठ के किया जा सकता है, फ़ोन पे भी कह सकते हैं, या आप मेडिटेशन में बैठ के या एकांत में बैठ के आप टेलीपैथिकली भी बोल सकते हैं, या विजुअलाइज करके भी आप ये कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको जो आप जो भी प्रोसीडियर मेंटेन करेंगे वो कंटिन्यूसली 21 डेज कीजिए, और खुश होके कीजिए, और एक ही समय में करने की कोशिश कीजिए ताकि सिस्टमेटिक वे में ये पूरा होते जाए। तो आप क्या कहेंगे, आप अपने फ्रेंड, सपोज आपके फ्रेंड का नाम प्रिया है, आप उनको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, तुम्हें तुम्हारे मनपसंद लड़के के साथ शादी हो चुकी है, और वो आपको कहेंगी, आपका नाम अगर सपोज बिनी है, वो आपको कहेंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिनी, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम जॉब बैंक में मिल चुका है। बस इतना ही बोलना है, आप खुद बोलिए उनके लिए और उनको बोलने के लिए बोलिए आपके लिए, और फील कीजिए कि हाँ सच में उनकी शादी उनके मनपसंद लड़के से हो चुकी है और वो बहुत खुश है, और वो भी सोचेंगी, वो भी विजुअलाइज करेंगी कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है, आपको बैंक में जॉब मिल चुकी है, और आप बहुत खुश है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं आपके जॉब को। ऐसे इसको 21 डेज तक कीजिए। अगर आपको कोई पार्टनर ना भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आप किसी फ्रेंड के लिए विश कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, अपने भाई बहन के लिए कर सकते हैं, अपने कलीग्स के लिए कर सकते हैं। किसी का विश भी अगर आपको पता है कि उनका ये विश है, तो आप अनएक्सपेक्टेडली भी, अनएक्सपेक्टेशन के साथ भी आप ये टेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अनकंडीशनली किसी के लिए विश करते हैं कि उसका विश फुलफिल हो जाए, वो बहुत खुश रहे, तो ऑटोमेटिकली उसका विश जब पूरा होगा, साथ ही साथ यूनिवर्स आपका जो विश होगा वो, चाहे वो आपका विश भी पूरा हो ही जाता है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स ऐसी ही होती है। जब हम किसी के लिए अनकंडीशनली, अनएक्सपेक्टेडली किसी के लिए प्रे करते हैं और दिल से, सोल से, तो उनका विश पूरा होता है। ये फ्लावर फाउंटेन
भी कहते हैं इसे, ब्लेसिंग्स का फाउंटेन होता है। इस टॉपिक को लेके जो वीडियो मैंने बनाया था पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी, ताकि फ्लावर फाउंटेन के बारे में आपको और अच्छे से पता हो जाए। और ये टेक्निक, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक, आप अपने मम्मी पापा के लिए कर सकते हैं, भाई बहन के लिए भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो आप खुद का भी विश पूरा कीजिए, दूसरों का विश पूरा करने में भी हेल्प कीजिए आज यहीं तक। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। थैंक यू।